नीतीश झुके तो नायडू अड़े, ईडी और सीबीआई पर समझौते को तैयार नहीं। स्पीकर पद पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन रख दी बड़ी शर्त। नायडू के तेवरों से मोदी सरकार पर दिखने लगा संकट। चंद्रबाबू नायडू को अपनी ताकत का एहसास हो गया है। उन्हें पता है कि मोदी सरकार उनके रहम पर टिकी हुई है। आंध्र प्रदेश में उनकी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, उन्हें किसी भी दल के साथ की जरूरत नहीं है। तो संसद में भी उनकी पार्टी छठवीं सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए में तो उसका नंबर दूसरा है। और नायडू अपनी इस ताकत को पहचानते भी हैं और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले रहे हैं, उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। टीडीपी भी सरकार में शामिल है, उसके कोटे में से मंत्री भी बनाए जा रहे हैं। मंत्रियों की शपथ का काम तो आसान दिख रहा है, लेकिन मंत्रालय का बंटवारा बेहद मुश्किल दिख रहा है। ये साफ हो चुका है कि आज शपथ के बाद पीएम मोदी नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। सरकार बनने से पहले ही खींचतान मच गई है, खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू के तेवरों से बीजेपी डरी हुई है। वैसे भी नायडू को दबाव बनाने वाला और मजबूत सौदेबाजी करने वाला नेता माना जाता है, और इसी के चलते जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने टीडीपी सांसद को लोकसभा का अध्यक्ष बनवा दिया था। वाजपेयी सरकार से आंध्र प्रदेश के लिए कई योजनाओं को पास करा लिया था। आंध्र के लिए सबसे ज्यादा फंड ले जाते थे, क्योंकि वाजपेयी सरकार को नायडू के समर्थन की जरूरत थी। और अब ये हालत नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार को नायडू की पार्टी टीडीपी की समर्थन की जरूरत है, जबकि नायडू को सिर्फ केंद्र के फंड की जरूरत है, और इसके लिए वो मजबूत पोर्टफोलियो अपने पार्टी के लिए लेने का दबाव बना रहे हैं। सबसे पहले तो नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर ही दावा ठोक दिया था, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह से संसद की कार्रवाई चली है, काम कम हंगामा ज्यादा मचा है, उसे देखकर बीजेपी इस पद को किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार को पास कराने पड़ते हैं। संसद में जब सरकार फंसती है तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और इस बार तो विपक्ष भी मजबूत है। ऐसे में संसद में सरकार वैसे ही दबाव में रहने वाली है, और चंद्रबाबू नायडू भी यही चाहते हैं। मोदी सरकार जितना ज्यादा दबाव में रहेगी, सहयोगी दल भी उतना ज्यादा दबाव सरकार पर बना पाएंगे। फिलहाल जो खबर आ रही है कि बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर का पद छोड़ने के लिए नायडू को मना लिया है, लेकिन टीडीपी की तरफ से कई शर्तें रख दी गई है, और इसमें सबसे बड़ी शर्त वित्त और गृह मंत्रालय को लेकर है। खबर मिल रही है कि अपनी पार्टी के लिए वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं, साथ ही चाहते हैं कि गृह मंत्रालय अगर बीजेपी अपने पास रखती है तो शाह की जगह किसी दूसरे नेता को यह पद दिया जाए। यानी नायडू वित्त मंत्रालय के साथ ही मोदी सरकार में सीधा हस्तक्षेप करने की कोशिश में जुटे हैं। अगर अमित शाह को गृह मंत्री नहीं बनाया जाता है तो यह साफ हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी नायडू के दबाव में है। इस बीच विशेष राज्य के दर्जे का मामला भी नायडू ने फिर से नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत में रख दिया है। वैसे कहा जा रहा है कि नायडू को यह आश्वासन भी मिल गया है कि अगर आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं भी दिया जाता तो भी राज्य के लिए अतिरिक्त फंड की व्यवस्था जरूर की जाएगी। मोदी सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज जारी करेगी। वैसे इस बार विशेष पैकेज पर बिहार की भी नजर है। नायडू के तेवरों से एक बात तो साफ हो गई है कि वो मोदी सरकार को किसी भी तरह की राहत नहीं देंगे और अपने समर्थन की पूरी कीमत वसूल करेंगे, और अगर मोदी सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना तो दूसरी तरफ पलटी मारने में भी वो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। वैसे इंडिया गठबंधन ने अपने दरवाजे नायडू की पार्टी के लिए खुले छोड़ दिए हैं, बस फैसला नायडू को ही लेना है। नायडू इंडिया गठबंधन के संपर्क में भी बताया जा रहे हैं, उनकी बातचीत कांग्रेस और डीएमके नेताओं के साथ लगातार चल रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए नायडू को अपने पाले में रखना बहुत मुश्किल होने वाला है।